आप सभी का सुहाना सफर में और मैं हूँ आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज की। जी हाँ, हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज की और उसके तथ्यों के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है इसके तथ्य। पहला, हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ एक बहुत ही मशहूर पुल है जो पश्चिम बंगाल के दो बड़े शहरों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। ये कोलकाता की संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। ये पुल यानी कि सेतु 2313 फीट लंबा और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है। इसमें दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी हैं। ये पुल 73 साल पुराना है। इसे बनाने में लगभग 6 साल लगे। 3 फरवरी 1983 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ जो आज तक जारी है। हावड़ा ब्रिज पर हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं और 1.5 लाख पैदल यात्री इस पर चलते हैं। इसकी क्षमता 60,000 टन वजन सहने की है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया है कि आज हावड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन का वजन रहता है। इसलिए कई ट्रामों और ज्यादा वजनी ट्रकों को दूसरे रास्तों या पुल पर स्थानांतरित किया जा रहा है। ये पूरा पुल उष्णतन्य मिश्र धातु स्टील का बना हुआ है जिसे टाइस्ट्रॉम कहा जाता है। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील बखत हुई थी। इसमें से 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी द्वारा खरीदा गया था। इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी, लेकिन जापान की धमकी की वजह से सिर्फ 30,000 टन स्टील ही लाया जा सका। बाकी स्टील की खरीद टाटा स्टील से की गई। आज जहां हावड़ा ब्रिज है, दरअसल वहां कभी पोटून सेतु था जिसे विकसित करके हावड़ा ब्रिज बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून 1965 में बंगाल साहित्य के महान कवि, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन ये आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज के अलावा 5 और सेतु हैं। विधान सागर सेतु, विवेकानंद सेतु, निवेदिता सेतु, ईश्वर गुप्ता सेतु, नसीर पुल रेल ब्रिज। 2000 फीट से भी अधिक लंबे इस पुल में सिर्फ 2 ही संतर्भ हैं, जिनके बीच लंबाई 1500 फीट है। अपने निर्माण के समय ये पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था। आज ये अपनी तरह का विश्व का 6ठा सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज के देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पार्ट ट्रस्ट की है। इस ट्रस्ट की स्थापना हावड़ा ब्रिज की स्थापना से भी 73 साल पहले 1870 में हुई थी। इसे बनाने के इकरार के लिए 20 से भी ज्यादा कंपनियों को चुना गया था, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम की बोली लगाई, लेकिन विश्व युद्ध और राजनीतिक कारणों से इस कंपनी को आखिर में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी स्लेवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कॉम डॉट लिमिटेड को दिया गया था।